Now, concluding the things related to hybridization, hybridization को conclude करें तो अभी तक हमारे सामने picture ये आ चुका है कि we have the three types of hybridization and they are all associated with fixed arrangement of the bonded atoms. एक बार फिर से बताइए sp में क्या होता है, linear bond angle 180 degree. sp2 में क्या होता है, triangular planar bond angle 120 degree. sp3 में क्या होता है, arrangement of the bonded atoms tetrahedral bond angle 109 degree 28 minute. ये थ्री टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के कंक्लूजन्स हैं. sp, sp2 और sp3 के ये थ्री कंक्लूजन्स हमारे सामने हैं. इसी टाइप से sp3d, sp3d2 एंड sp3d3 इन डिफरेंट कंक्लूजन्स की तरफ हम जा सकते हैं. मैं इनके इंडिविजुअल एग्जांपल्स ना लेकर अब इस पूरे टॉपिक को समराइज कर रहा हूं क्योंकि आपके माइंड में एक बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर होगा इतनी चीजों को समझने के बाद. तो आई एम जस्ट कंक्लूडिंग द थिंग्स. इस बार हम एक टेबुलर फॉर्म में चीजों को रखते हैं और फिर उस टेबल का फर्दर एनालिसिस करेंगे. टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. रिमेंबर जो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम इस समरी में इंक्लूड करेंगे दिस विल बी फॉर द सेंट्रल एटम. टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी फॉर द सेंट्रल एटम. टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रेगुलर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और द ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल इफेक्ट ऑफ लोन पेयर्स. रेगुलर ज्योमेट्री या रेगुलर शेप डिस्टर्ब होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. सेंट्रल एटम यदि लोन पेयर पजेसिंग है तो लोन पेयर विदाउट अ कॉन्जुगेशन जहां भी होती है, यह टर्म एक पर्टिकुलर लेवल पर हो सकता है आप लोगों के लिए नहीं हो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूं. यहां पर लोन पेयर की पोजिशन यदि पाई बॉन्ड के अल्टरनेट होती है तो मैं इसको बोल रहा हूं कि लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है. और लोन पेयर की पोजीशन यदि पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पर नहीं आती है तो मैं इसे बोल रहा हूं कि यह कॉन्जुगेशन वाला सिस्टम नहीं है. आई रिपीट, लोन पेयर यदि पाई बॉन्ड के साथ एक अल्टरनेट पोजीशन पे होगी तो वी कॉल इट अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम. और लोन पेयर यदि पाई बॉन्ड के अल्टरनेशन पर नहीं है तो वी डू नॉट कॉल इट अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम. तो यदि एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है तो लोन पेयर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करती है. पर यदि सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है तो लोन पेयर हमेशा सिग्मा ऑर्बिटल यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करती है. इसी कंसेप्ट को लेते हुए मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं एक सिंपल केस की, नॉट द कॉन्जुगेटेड सिस्टम. यदि मैं एक सिंपल केस की बात करूंगा तो लोन पेयर जितने भी सिंपल केसेस होते हैं उसमें कंसीडर किया जाता है कि लोन पेयर ऑक्यूपाइज द हाइब्रिड ऑर्बिटल, वन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसमें लोन पेयर की पोजीशन होती है. तो नेचुरली यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर होगा तो मॉलिक्यूलर शेप को डिस्टर्ब करेगा. दिस इज considered in the form of a rule called as Drago's rule. इस केस में लोन पेयर की पोजीशन को लेकर हम ज्योमेट्री पर क्या इफेक्ट होता है
इसको कंक्लूड करेंगे इस पार्ट में। तो इफेक्ट ऑफ लोन पेयर्स में मैं फर्दर दो हेडिंग्स बना रहा हूं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड शेप, उससे शेप पर क्या इफेक्ट होता है। नाउ आई कंक्लूड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब होते हैं टू, तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिड स्टेट माना जाएगा sp। याद रखें ये बात सेंट्रल एटम के लिए होती है। एक सेंट्रल एटम के पास टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होना रिप्रेजेंट करेगा sp हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में उसका रेगुलर शेप लीनियर होता है, बॉन्ड बनाने वालों की पोजीशन 180 डिग्री पर होती है। लोन पेयर के इफेक्ट्स वाली बातें इसके बाद वाले हाइब्रिड स्टेट से आप देखेंगे। सो राइट नाउ फॉर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दीज मेनी थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। इसके बाद मैं कंक्लूजन आगे बढ़ाता हूं। थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, शेप ट्रायंगुलर प्लैनर, यू नो द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। फ्रेंड्स नाउ इमेजिन द थिंग कि यदि एक ट्रायंगल प्लेन में वन ऑफ द ऑर्बिटल विच इज पोजिशनड एट वन ऑफ द ट्रायंगुलर कॉर्नर, वहां पर यदि लोन पेयर हो तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन कितने ऑर्बिटल का रहेगा? टू आउट ऑफ द थ्री। यदि टू बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल्स हैं, एक काम करते हैं इस सिचुएशन को वंस अगेन चॉक्स की हेल्प से समझते हैं। सपोज दीज आर द थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम है। अब यदि वन ऑफ द ऑर्बिटल्स इज ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर तो बॉन्डिंग केवल कितने से होगा? दो एटम्स के साथ में। किसी भी एक ऑर्बिटल को मान लीजिए कि इट्स ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर, तो बॉन्डिंग होगी सिर्फ दो एटम्स के साथ में, एंड दिस विल बी द मॉलिक्यूलर शेप, यस बेंट और वी शेप्ड। तो यहां पर मैं कंक्लूजन लिखूंगा, वन लोन पेयर रिजल्ट्स इनटू वी शेप्ड मॉलिक्यूल। वी शेप्ड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज बेंट मॉलिक्यूल। राइट नाउ आई एम नॉट मेंशनिंग एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स को हम कलेक्टिवली लेकर बात करेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए। एक बार हमारे सामने पूरा फॉर्मेट होगा तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल। आप किसी भी टाइप का एग्जाम्पल फिट कर सकते हैं अपने इस टेबल के डिफरेंट एग्जाम्पल्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में। आइए बात करें फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। दिस टाइम द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, द रेगुलर शेप इज टेट्राहेड्रल, इट्स बॉन्ड एंगल इज 109 degree 28 minute। दिस इज अ रेगुलर अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कब मिलेगा आपको? जब चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। दिस इज द टेट्राहेड्रॉन। थ्री डायमेंशनली इसको आप ऐसे समझिए, यस दिस इज द टेट्राहेड्रॉन। अब लोन पेयर के इफेक्ट्स की बात करनी है। द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स विल नॉट रिजल्ट इन टू टेट्राहेड्रल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि यदि बॉन्ड बनाने वाले चार ना होकर तीन ही हुए तो मॉलिक्यूलर शेप तो कुछ और ही हो जाएगा। लेट अस अज्यूम दिस, मैंने जो चौक हटाया उस पोजीशन को आप इमेजिन कर रहे हैं लोन पेयर की पोजीशन। अब मॉलिक्यूलर शेप ऐसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वन लोन पेयर, ट्रायंगुलर पिरामिडल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टू लोन पेयर्स, वी शेप्ड, राइट। लेट्स राइट नंबर वन एंड नंबर टू, दैट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर यदि वन है तो ट्रायंगुलर पिरामिडल, लोन पेयर्स यदि टू है तो वी शेप्ड या बेंट।
ये जो भी मैंने कंक्लूजन्स दिए ये sp3 के लिए थे। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर आते हैं। वैसे भी ये 3 केसेस मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं, अब कंक्लूजन्स पर ध्यान दीजिएगा। जहां 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो, मैं बात सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की सिर्फ कर रहा हूं, जहां 5 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड हो वहां हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। इस केस में द मॉलिक्यूलर शेप इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बॉन्ड एंगल्स आर 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। दिस टाइम आई वॉन्ट बी एबल टू होल्ड दोज मेनी चॉक्स, मैं आपको बोर्ड पर ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस पर आप कॉन्सेंट्रेट करिए। सपोज दिस इज द सेंट्रल एटम एंड नाउ वी हैव द 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड लाइक दिस। दीज आर द 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दीज 3 आर इन अ प्लेन, वन इज अबाउ द प्लेन, वन इज बिलो द प्लेन, सो वी आर कॉलिंग इट ट्राइगोनल बाय पिरामिडल अरेंजमेंट, राइट। नाउ दिस टाइम आपको याद होगा मैंने VSEPR थ्योरी में कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज किया था। ये थी कि जब ट्राइगोनल बायपिरामिडल अरेंजमेंट होती है तो इसमें ये दो पोजीशंस एक्सियल पोजीशंस कहलाती हैं और जो सेम प्लेन में होती हैं ये इक्वेटोरियल पोजीशंस होती हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। यहां मैटर लोन पेयर को लेकर कुछ खास बातों का है, वो ये कि जब रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप कब होगा, जब ऑल 5 ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, पर यदि लोन पेयर आती है तो। फ्रेंड्स यहां पर लोन पेयर को रखने के लिए आपके माइंड में दो ऑप्शंस क्रिएट हो रहे होंगे कि लोन पेयर कुड ऑक्यूपाई द पोजीशन इक्वेटोरियल और इट कुड ऑल्सो ऑक्यूपाई द पोजीशन एक्सियल, वन ऑफ द 2 एक्सियल पोजीशंस। बट इट हैज बीन ऑब्जर्व कि इस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में लोन पेयर जो मिनिमम रिपल्शन की पोजीशन होती है उसे ऑक्यूपाई करती है और वह पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। सो लोन पेयर इज प्लेस्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। अब आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना होगा कि लोन पेयर के आने से क्या इफेक्ट हो रहा है। आइए देखते हैं। यदि रेगुलर ज्योमेट्री हो जैसा कि यहां रिप्रेजेंट किया हुआ है तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, नो क्वेश्चन एट ऑल। बट यदि वन लोन पेयर आ जाए तो दिस विल बी द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर। लेट अस कंसीडर वन ऑफ द 3 इक्वेटोरियल पोजीशंस, यहां लोन पेयर है। अब आप इमेजिन करिए मॉलिक्यूल सिर्फ ऐसा होगा, यह कैसा होगा, इसे अपसाइड डाउन टर्न करें। जब आप इसे अपसाइड डाउन टर्न करते हैं तो ये सेंटर है, ये दो बॉन्डेड एटम्स हैं, इसको ऐसा टर्न कर लीजिए तो सेंटर विल बी हियर, सेंट्रल एटम। 2 बॉन्डेड एटम्स विल बी लाइंग लाइक दिस एंड 2 विल बी लाइंग लाइक दिस। इसे हम सी सॉ शेप्ड अरेंजमेंट बोलेंगे। द मॉलिक्यूल विल बी सी सॉ शेप्ड, इट्स लाइक अ सी सॉ। सेंटर, 2 बॉन्ड्स are in these positions and 2 bonds are in these positions. So this is a seesaw shaped arrangement. इसमें ही मान लीजिए 2 lone pair का केस आता है। अब आप किन्हीं भी 2 positions को lone pair से occupied लेंगे, लेकिन वो कौन सी होना चाहिए, equatorial। तो एक बार फिर आइए ये 2 equatorial positions को occupied by lone pair ले लेते हैं। तो bond बनाने वाले कहां होंगे, केवल इन 3 पोजीशंस पर। शेप क्या होगा, अपसाइड डाउन टर्न करें, इज इट नॉट अ टी, अपसाइड डाउन टर्न करने पर, यस इट इज अ टी शेप्ड अरेंजमेंट। और यदि 3 लोन पेयर इसी हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे सेंट्रल एटम पर प्लेस्ड, तो तीनों इक्वेटोरियल पोजीशंस पर लोन पेयर होंगी और बॉन्ड बनाने वाले होंगे एक्चुअली प्लेस्ड और यह अरेंजमेंट होगा लीनियर। I write the conclusions. 1 lone pair, 2 lone pairs and 3 lone pairs. जितने examples मैं table में include कर रहा हूं
मोर देन 90% एग्जाम्पल्स इनमें से किसी न किसी कैटेगरी में फिट हो जाते हैं। केवल स्पेशल बॉन्डिंग के केसेस और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस जहां अप्लाई होती है उनको छोड़कर मैक्सिमम केसेस में आपके आंसर्स इन्हीं में से कोई ना कोई होंगे। लोन पेयर यदि वन है तो हमने कंक्लूड किया था, व्हाट वाज द कंक्लूजन डू यू रिमेंबर? इट वाज सी सॉ शेप्ड। विथ टू लोन पेयर इट इज टी शेप्ड, और विथ वन लोन पेयर ये क्या था? लीनियर। ये कंक्लूजन्स हैं sp3d के लिए। sp3d में रेगुलर शेप मतलब जब ऑल बॉन्डेड एटम्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज कर रहे हो, और लोन पेयर आने से नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स सारे ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज ना कर रहे हो, वन लोन पेयर या टू लोन पेयर या थ्री लोन पेयर के केसेस हो, तो हाइब्रिड स्टेट यही रहने पर मॉलिक्यूलर शेप्स आपको ये मिलते हैं। सिमिलरली लेट अस कंक्लूड फॉर द सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। द रेगुलर शेप फॉर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इज ऑक्टाहेड्रल विद द बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। आई होप यू रिमेंबर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो प्रीवियस लेक्चर VSEPR थ्योरी में मैंने आपको बताई है। एन ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट इज रेगुलर विथ ऑल नेबरिंग एंगल्स 90 डिग्री। ये इस तरह का होता है। जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन। इस बार क्या हो रहा है कि यदि लोन पेयर आनी है तो वी डू नॉट हैव टू टाइप्स ऑफ चॉइसेस, सिंस ऑल पोजिशंस आर एक्सियल दिस टाइम। एक्सिस के कॉर्नर ही है ना ये तो तीनों, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो यहां कोई एक्सियल इक्वेटोरियल का मैटर नहीं है। एट एनी ऑफ द पोजिशंस यू कैन प्लेस लोन पेयर। सो इफ देर इज वन लोन पेयर और इफ देर आर टू लोन पेयर, नाउ यू कैन इमेजिन कि एक लोन पेयर के आने से क्या होगा। विथ वन लोन पेयर लेट अस अज्यूम दैट दिस पोजिशन हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर। नाउ वॉट विल बी द शेप? 4 will be in a plane and 1 will be perpendicular. So this case will be called as square pyramidal. Square pyramidal. And with 2 lone pairs, obviously now when 2 lone pairs are present, they will be at the position opposite to each other. Of course, but they can be at any one of the 3 axes. So, yadi teenon mein se kisi ek axis par hai ye, to बचे हुए चारों कहां होंगे? दे विल बी लाइंग इन अ प्लेन, और इनका एंगल ऑफ सेपरेशन 90 डिग्री होगा। इसलिए मैंने इस शेप को क्या कहना चाहिए? इट इज स्क्वायर प्लानर। इट्स अ स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। नाउ फाइनली वन मोर केस, व्हेन देर आर 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, द टाइप इज sp3d3, शेप इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल। दिस शेप हैज बॉन्ड एंगल्स 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। जितने नोन एग्जाम्पल्स हैं उन सभी में, जैसा मैंने कहा कि 90% से ज्यादा एग्जाम्पल्स तो आपको इस टेबल की कैटेगरीज में से ही मिल जाते हैं, तो sp3d3 में यू विल कम अक्रॉस ओनली वन कैटेगरी showing the effect of lone pair, and that will be with one lone pair. And in this case, jab orbitals 7 honge aur one of the orbitals lone pair se occupied hoga, to bond banane wale atoms kitne honge? 6. Jab 6 bonded atoms honge, to is case mein without a lone pair 6 bonded atoms ka ek regular arrangement kya hota? It would be octahedral. Lekin us lone pair ke karan यहां पर अरेंजमेंट बन जाता है ऑक्टाहेड्रल लेकिन रेगुलर नहीं, इसलिए मैंने लिखा है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रॉन गेट्स डिस्टॉर्टेड ड्यू टू द लोन पेयर। यदि लोन पेयर नहीं होती तो 6 बॉन्डेड एटम्स रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन बनाते। यदि
ऑल सेवन ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग करते तो इट वुड बी अ रेगुलर पेंटागोनल बायपिरामिडल। आप ये भी बोल सकते हैं कि सिचुएशन ऑक्टाहेड्रल और पेंटागोनल बायपिरामिडल के कुछ बीच में आ जाती है। यहां परफेक्टली हम ये नहीं बोल सकते कि लोन पेयर कहां ओरिएंटेड है। हाँ, एक ओवरऑल मैनर में आप बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर शेप ऑक्टाहेड्रॉन के फॉर्म में होगा, बट दैट विल नॉट बी अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन बिकॉज ऑफ द लोन पेयर। फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली मैंने आपको पूरे टेबल में सारे कैटेगरीज बता दिए। आप सोच रहे होंगे कि हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमारे सामने आता है तो कौन सी कैटेगरी में उसको प्लेस करें, कैसे हमें पता लगेगा कि उसमें सेंट्रल एटम के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, कौन सा स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, कितनी लोन पेयर है यदि है तो, और उस लोन पेयर के कारण क्या शेप होगा। मुझे लगता है कि इन सारे आंसर्स के लिए अब आपको सिर्फ जरूरत बची है, टेबल क्योंकि सामने है तो कहां कौन से हाइब्रिड स्टेट में क्या शेप होता है, लोन पेयर के आने से क्या हो जाता है, ये पूरा मैटर तो हमारे पास है। हमारी जरूरत सिर्फ दो चीजों की है। एक तो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर पहचान लें किसी भी गिवन एग्जांपल में, और दूसरा लोन पेयर है या नहीं, सिर्फ इतना सा हमें पता लग जाए। फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करने के लिए, और देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स अलग अलग टाइप की मेथड्स आपको बताते हैं। ऑफ कोर्स दे कैन दे ऑल रिजल्ट इनटू द सेम कंक्लूजन, कंक्लूजन तक एक जैसा ही पहुंचते हैं सभी लोग, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेथड मैं बता रहा हूं आपको ये ईजीएस्ट ऑफ ऑल द मेथड्स होती है। इसलिए आप कोशिश करिए इस मेथड को फॉलो करने की, और मुझे लगता है आपको बहुत सिंपल तरीके से इसके आंसर्स मिलेंगे। सुनिए, आपको डिटरमाइन करना होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम। आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम निकालना चाहते हैं। इसे डिटरमाइन करने के लिए आप निकाल लें गिवन स्पीशीज के टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यदि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू और लेस देन 8 हो तो आप उस वैल्यू को 2 से डिवाइड करें एंड डायरेक्टली यू गेट द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यस, डायरेक्टली उस वैल्यू को आप 2 से डिवाइड करें एंड यू गेट द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आप जिस स्पीशीज के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं यदि उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 8 हैं तो यू डिवाइडेड बाय 8 टू गेट द आंसर। हां, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपकी वैल्यू 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो, मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो पर डिविजिबल बाय 8 ना हो। ऐसे केस में आप उसको 8 से डिवाइड करें और इफ देयर इज एनी रिमाइंडर तो फिर रिमाइंडर के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, रिमाइंडर शुड बी डिवाइडेड बाय 2 एंड देन यू एड द वैल्यूज एंड यू गेट द आंसर। कैसे होगा, अ फ्यू एग्जांपल्स आई एम टेकिंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स, और उसी के साथ साथ आपको लोन पेयर कैसे पहचाननी है ये भी एक तरीका मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, टू प्रोसीड विद दिस आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ CH3 पॉजिटिव। मुझे पता है कि कई बार आप जब ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं देख रहे हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि ये नंबर ऑड भी तो हो सकता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, बट ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बॉन्डिंग का मैटर एक अलग स्टोरी है, एक अलग कंसेप्ट है। तो अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो स्पेशल केसेस ऑफ बॉन्डिंग को लेकर नहीं कर रहे हैं। सो द एंटायर मैटर डज नॉट इंक्लूड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, राइट? सो आई कंसीडर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, CH3 पॉजिटिव। नाउ
फॉर विच एटम वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, द सेंट्रल एटम, एंड व्हाट इज द सेंट्रल एटम, आई हैव अंडरलाइन, इट इज कार्बन। आइए देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन के, 4, वन ऑफ ईच हाइड्रोजन, एंड सिंस देर आर 3 हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से माइनस करेंगे, टोटल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 होगी, मतलब आंसर आएगा 3 का मतलब है द सेंट्रल कार्बन इज sp2 हाइब्रिड ऑफ दिस स्पीशीज। वन मोर थिंग, यू कैन डू वन मोर थिंग, अब आप यही स्पीशीज में, हमें यह तो पता लग गया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या है, नाउ वेदर द पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज ऑफ दिस कैटेगरी और दिस इज ऑफ दिस कैटेगरी, यहां लोन पेयर का इफेक्ट है या नहीं है, इस बात को समझने के लिए आप सिंपली यह ऑब्जर्व करिए कि सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड एटम्स कितने हैं। यदि सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड एटम्स का नंबर और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर इक्वल आ रहा है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्ड भी 3 एटम्स के साथ बने हैं, मतलब नन ऑफ द ऑर्बिटल हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर, ये विदाउट अ लोन पेयर का केस है। यदि लोन पेयर नहीं है तो क्या होगा, द शेप इज ट्राइंगुलर प्लैनर, इट्स अ ट्राइंगुलर प्लैनर स्ट्रक्चर, CH3 पॉजिटिव कार्बन विथ 3 हाइड्रोजन लाइंग इन अ प्लेन, ये इस तरह की स्पीशीज है। आई एक्सप्लेन विथ वन मोर एग्जाम्पल, आप एक और केस देखिए, CLO3 नेगेटिव आयन लेते हैं इस बार, CLO3 नेगेटिव, नाउ दिस स्पीशीज हैज द सेंट्रल एटम क्लोरीन, सेंट्रल एटम क्लोरीन है और इसमें अब मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर कैलकुलेट करना है। हम गिवन स्पीशीज में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें पहले, क्लोरीन इज अ हैलोजन एंड ऑल हैलोजन्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ देयर वैलेंस शेल, तो क्लोरीन का मैंने लिया 7, 3 ऑक्सीजन एटम्स का मैंने लिया ईच विथ 6 इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव चार्ज है सो वी नीड टू एड वन मोर, द टोटल इज कमिंग हाउ मच, 26, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग 26, सो 26 वैल्यू शुड बी डिवाइडेड बाय 8, 8 3s are 24, मैंने आपसे कहा था कि इफ देर इज एनी रिमाइंडर, इफ द वैल्यू इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर शुड बी डिवाइडेड बाय 2, नाउ एड द 2 वैल्यूज एंड योर आंसर इज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड द 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट sp3 हाइब्रिड स्टेट ऑफ क्लोरीन, द सेंट्रल एटम। दिस टाइम वंस अगेन आप इस कंक्लूजन तक पहुंच गए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हैं और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब जरा एक और चीज पर ध्यान दें, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हैं, सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाने वाले कितने हैं, 3, डिफरेंस है कुछ, यस, वन ऑफ द ऑर्बिटल्स, जो 4 ऑर्बिटल्स है उसमें से 1 ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर होना चाहिए, तो ये जो डिफरेंस होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाने वाले का, ये डिफरेंस लोन पेयर का नंबर इंडिकेट करता है। अब अपने टेबल पर ध्यान दीजिए, sp3 विथ 1 लोन पेयर जहां आता है सेंट्रल एटम, तो उसका शेप बॉन्ड बनाने वालों की अरेंजमेंट ट्राइंगुलर पिरामिडल होती है, so this time it is triangular pyramidal, ClO3 negative, of course the negatively charged oxygen should be bonded with single bond with the chlorine atom and the rest of the 2 must be shown with double bonds as per the valencies of oxygen atoms, और क्लोरीन पर मैंने लोन पेयर बताई है और उसी वजह से यहां पर
हाइब्रिड स्टेट क्लोरीन के sp3 आ रही है ड्यू टू द लोन पेयर, इसका मॉलिक्यूलर शेप, इसका अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्डेड एटम्स इस आयन का, इस स्पीशीज का ट्रायंगुलर पिरामिडल होगा. नो, फॉर दीज कैटेगरीज वी कैन नॉट मेंशन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल. जब तक बॉन्ड एंगल रेगुलर शेप की बात है आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसमें भी मैं आपसे कहूंगा कि ये तभी परफेक्टली इतना ही वैल्यू देता है जब ऑल बॉन्डेड एटम्स आइडेंटिकल नेचर के हों. यदि डिफरेंट टाइप के एटम्स की बॉन्डिंग होती है तो ये एंगल्स में भी वेरिएशंस आ जाते हैं. सो व्हाट एवर बॉन्ड एंगल्स आर मेंशनड हियर, दे आर ओनली एप्लीकेबल जब आपके सेंट्रल एटम के साथ सारे बॉन्डेड एटम्स आइडेंटिकल होंगे और एक रेगुलर शेप को वो फॉलो कर रहे होंगे. सो विद दिस मैंने आपको बताए हैं दो एग्जांपल्स. आप लिस्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ नोन एग्जांपल्स अपने सामने रखें, किसी भी तरह का एग्जांपल आप इस मेथड के अकॉर्डिंग सोचेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कंक्लूड करेंगे, तो आपके सामने कैटेगरीज पूरी इस लिस्ट में है. बस आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालिए, लोन पेयर चेक करिए एंड यू विल कम टू द कंक्लूजन अबाउट रेगुलर शेप और द शेप ड्यू टू लोन पेयर. आप किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी गिवन कोवलेंट स्पीशीज में शेप तक पहुंच सकते हैं. सो यू शुड हैव अ प्रैक्टिस एट दिस लेवल. आपको इस लेवल पर एक अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए डिफरेंट एग्जाम्पल्स की, जिनसे आगे चलकर जो हम बॉन्ड पैरामीटर्स वाली चीजें इंक्लूड करेंगे उनमें आप आंसर्स इजीली दे सकें. थैंक यू.